हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खस्ता हाल सड़क बेपरवा जिम्मेदार, हादसों को निमंत्रण देते पानी से भरे गड्ढे। कस्बे के रानीवाड़ा भीनमाल मुख्य सड़क मार्ग, साचौर रानीवाड़ा प्रवेश सड़क एवं मुख्य बाजार में पानी से भरी लबालब खस्ता हाल सड़क को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार ही किस प्रकार बेपरवाह है एवं जिसका खामियाजा वाहन चालकों सहित पैदल चलने वाले राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में छोटे तालाब का रूप ले चुकी कस्बे के दोनों प्रवेश द्वार की सड़कें, जिसमें हिचकोले खाते तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां एवं नागरिक बैंक से साचौर फाटक तक हर समय गंदे पानी के भराव ने न केवल दुकानदारों व आम राहगीरों का जीवन दुश्वार कर रखा है, बल्कि मौसमी व पानी जनित बीमारी को भी खुला निमंत्रण दे रही है। हैरानी की बात तो ये है कि इसी प्रकार के हालत पूरे कस्बे में देखे जा सकते हैं। इस संवाददाता ने आज जब धरातल के हालात देखकर कैमरे में कैद किए तो आसपास के दुकानदार सहित राहगीरों की बेबस आंखें भी इसी हालात को बयां कर रही थी। संवाददाता ने पूरे कस्बे के जल भराव सहित सफाई व्यवस्था की स्थिति को भी अपने कैमरे में कैद कर जिम्मेदारियों की कुंभकर्णी नींद उड़ाने एवं आम जन के हित में रचनात्मक पहल को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हादसे को निमंत्रण देता साचौर रानीवाड़ा मुख्य सड़क मार्ग, जहां पर भीनमाल बाईपास मिलता है, वहां की स्थिति तो इतनी विकट है कि बड़े बड़े गड्ढों के बीच जलाशय रूपी पानी के भराव के कारण वाहन चालकों के सिर पर हर समय दुर्घटना का अंदेशा मंडराता ही रहता है एवं पैदल राहगीरों सहित दुपहिया वाहन चालकों का तो उस सड़क मार्ग को पार करना ही असंभव है एवं दुकानदार भी अपनी दुकानों में पानी के भराव को रोकने हेतु अपने स्तर पर प्रयास करते देखे जा रहे हैं। कमोबेश यही हालत महाराणा प्रताप चौक से आगे भीमाल सड़क मार्ग पर, जहां थोड़ी सी बरसात में ही सड़क तालाब का रूप ले लेती है एवं वाहन चालकों का गुजरना बेहद जोखिम भरा हो जाता है। राजकीय अस्पताल के सामने तालाब का रूप लेता कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने बरसात के मौसम में सड़क पानी से लबालब भर जाती है एवं मरीजों सहित आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी के निकासी की व्यवस्था होने के बावजूद जिम्मेदारियों की बेरुखी के कारण उस पानी ने तालाब का रूप ले लिया है। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।